શ્રી અખિલ કચ્છ રાજગુર સમાજ દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત કથાના સાતમા દિવસે સૌપ્રથમ પૂજ્ય રમેશભાઈ ઉજા દ્વારા સવારે ભાગવત કથામાં રાખવામાં આવેલી પોથીનું પૂજન કરાયું હતું. ત્યારબાદ કથાના મુખ્ય દાતા રાજ્યમંત્રી શ્રી તારાચંદભાઈ છેડા, અનિલભાઈ રાજગુર તથા અન્ય મહાનુભાવો દ્વારા પોથીને તથા ભાઈશ્રીને ફૂલહાર તથા પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી હતી. ભાઈશ્રીએ આજે જણાવ્યું હતું કે હરિચર્ચાથી જ મતિ શ્રદ્ધારૂપ બને છે. સંતોના સાનિધ્યમાં હરિચર્ચા હોય છે, માત્ર આ સાંભળવાથી જ અનેક વખત હરિનું સ્મરણ તથા હરિના દર્શન થઈ જતા હોય છે. આ કથામાં દરરોજ બહોળી સંખ્યામાં લોકો કથા શ્રવણ માટે ઉમટી પડ્યા છે. આઈએ ભગવાન કી કથા મેં મન કો રમાએ. સનાતન ધર્મ કી પરંપરા મેં पर ब्रह्म परमात्मा के दोनों स्वरूपों का हम स्वीकार करते हैं. ईश्वर का निर्गुण निराकार स्वरूप और ईश्वर का सगुण साकार रूप. अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं. निर्गुण सगुण के बनने परमात्मा ना रूप छे. ईश्वरना स्वरूप विषय इदमित्थम कही जाए न कोई. तुम्हारी भावना तुम्हारी रुचि अनुसार तुम्हें भजो. पुष्पदंत पर कहे छे तब तत्व न जानामी दृशोसि महेश्वर या दृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः. हे महादेव, भोलेनाथ आपका स्वरूप कैसा है आपके तत्व को मैं नहीं जानता. आप कैसे हैं मेरी समझ के बाहर है, लेकिन आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति भाव है, तो आप जैसे भी हैं मैं आपको नमस्कार करता हूं. बुद्धि से परमात्मा को जानना संभव ही नहीं है. ब्रह्म अतर्क बुद्धि मनवाणी, मनवाणी और बुद्धि से पर ब्रह्म अतर्क है. बुद्धि का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय. आत्मा त्वम गिरिजा मति. आत्मा को शिव कहा और गिरिजा मति. मति को चाहिए कि सती की भांति, पतिव्रता पत्नी की भांति अपने पति की सेवा करे, पति का अनुसरण करें, पति का अनुमोदन करें. यदि ये मति बुद्धि आत्मानुसारिणी हो जाती है तो उस आत्मानुसारिणी बुद्धि को ही मनीषा कहते हैं. मनीषा से जो युक्त है वे मनीषी हैं. बुद्धि आत्मा का अनुसरण करे, बुद्धि आत्मा अनुरागी हो. तो मति श्रद्धारूप हो जाए. अच्छा, श्रद्धा का तात्पर्य है शास्त्रों और संतों के वचन सत्य ही है, ऐसी उन वचनों में दृढ़ निष्ठा को श्रद्धा कहते हैं.